हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सचिन पवार, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, हेयर एमडी पुणे। हमारे ये यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में, और हम उनको वहाँ भी जवाब देने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ सवाल मैं अभी आपको उनका आंसर एक्सप्लेन करके बताना चाहता हूँ। तो हमारे पेशेंट है हेमंत जी। हेमंत जी ने पूछा है कि सर, 20 साल वालों के लिए आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट क्या क्या प्रिकॉशंस और मेडिकेशन लेना चाहिए, बता दीजिए। इसका आंसर देने में इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये है कि ये 20 साल के है। यूजुअली हम हेयर ट्रांसप्लांट अवॉइड करते हैं अप टू 25 होने तक, क्योंकि वो पेशेंट का हेयर लॉस स्टेबलाइज नहीं हुआ होता है और उनका पैटर्न क्या होगा इसके बारे में पता नहीं चलता है। तो जिन पेशेंट को ग्रेड 2 बार्नेस है, उनमें हम उनको सजेस्ट करते हैं कि आप अभी अपने जो हेयर्स है, एग्जिस्टिंग हेयर्स है, उनको बचाने की कोशिश करो। अगर ये बार्डनेस प्रोग्रेस होता है, देन वी कैन थिंक ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट। लेकिन 20 साल से 25 साल के पेशेंट्स में अगर बहुत हेयर लॉस हुआ है, मीन्स ग्रेड 3 हो गया है या ग्रेड 4 का बार्डनेस है, तो इन पेशेंट में हम ज़रूर हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, क्योंकि वेट करने से ज़्यादा कुछ हासिल नहीं होना है। लेकिन इस उम्र के पेशेंट को हम पहले ही काउंसिल करते हैं कि आपका ये जो बार्डनेस है, ये काफ़ी एग्रेसिव है, क्योंकि इतनी कम उम्र में आपको बार्डनेस हो रहा है। तो इसके लिए बहुत सारी प्रिकॉशंस और मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो अगर आप 20 साल के उम्र के हैं, आपने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, क्योंकि बार्डिंग ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। हम बार्डनेस को कभी भी क्योर नहीं कर सकते, क्योंकि यूजुअली ये जेनेटिक होता है, और हम या दुनिया में कोई भी आपका जीन्स नहीं बदल सकते। तो बार्डिंग तो कंटिन्यूस रहेगी। आपके बॉडी ने डिसाइड किया है कि ऊपर कुछ नहीं रखना है। हम इसमें एक चीज़ क्या कर सकते हैं, ये बार्डिंग प्रोसेस टेम्पररीली रोक के या फिर बार्डिंग प्रोग्रेस को थोड़ा पोस्टपोन करने की कोशिश करते हैं मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स। देखो, हेयर ट्रांसप्लांट करते वक्त हम क्या करते हैं, हम आपके जहाँ पर गैप्स बन गए हैं या जहाँ पर से हेयर पूरी तरह निकल गया है, वहाँ पर हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। हम आपके एग्जिस्टिंग हेयर को डैमेज नहीं करते। तो जो भी रिजल्ट हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आता है, वो रिजल्ट ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, ट्रांसप्लांटेड हेयर और एग्जिस्टिंग हेयर। अगर आपने कोई भी ट्रीटमेंट नहीं ली है आपके एग्जिस्टिंग हेयर्स को बचाने के लिए, तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपके एग्जिस्टिंग हेयर्स बिकॉज ऑफ जेनेटिक प्रॉब्लम वो जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो फिर अगेन वो एरिया में थिनिंग दिख सकता है। इसलिए हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आपको आपके एग्जिस्टिंग हेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक रोकना बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली ये ट्रू है इन यंग लोगों में, क्योंकि उनमें ये बार्डिंग प्रोसेस काफ़ी फास्ट चल रहा है। इसलिए मेडिकेशन जैसे कि फिनास्टाइड, मिनोक्सिडिल, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, PRP, ऐसे मेडिकेशंस को आपको आपके डॉक्टर के सलाह के अनुसार लेते रहना है। अगर आप प्रॉपर मेडिकेशन लेते हैं, तो आपका ये जो रिजल्ट आया रहता है वो
लॉन्ग टर्म टिका रहता है। सो हेमंत जी, आई होप आपको आपके क्वेश्चंस का सही एक्सप्लेनेशन मिला रहेगा।